देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका यूपी क्राइम न्यूज पे। खबरों में विस्तार में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन निकाली गई मतदान रैली। नजीबाबाद में पकड़े गए अवैध खनन के ट्रकों का किया गया चालान। बुलंदशहर हिंसा में पकड़ा गया इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का कातिल, पुलिस गदगद। बिजनौर में रेप पीड़िता के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। नजीबाबाद शहर में एसओजी और पुलिस की टीम ने कबाड़ के गोदाम में मारा छापा, चोरी के रखे हुए लाखों के बिजली के तार किए बरामद। अब खबर विस्तार में। जिला बुलंदशहर के जनता इंटर कॉलेज दानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन ग्राम मोहम्मदपुर विकास खंड दानपुर जिला बुलंदशहर में मतदान रैली निकाली गई। शिविर में 25 स्वयंसेवक प्रतिभाग कर रहे हैं। स्वयंसेवकों ने ग्राम में रैली निकालकर ग्रामवासियों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। सभी ग्रामीणों को बताया कि सभी काम छोड़कर पहले मतदान करें और जो ग्रामीण नवयुवक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं उनकी सूची तैयार कर बीएलओ को जानकारी दी जाए। जिला बुलंदशहर में जनता इंटर कॉलेज तानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना दिनांक 28/12/18 को 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन ग्राम मोहम्मदपुर विकास खंड दानपुर जिला बुलंदशहर में निकाली गई मतदान रैली। शिविर में 25 स्वयंसेवक प्रतिभाग कर रहे हैं। स्वयंसेवकों ने ग्राम में रैली निकालकर ग्रामवासियों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। सभी ग्रामीणों को बताया कि सभी काम छोड़कर पहले मतदान करें और जो ग्रामीण नवयुवक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं उनकी सूची तैयार कर बीएलओ को जानकारी दी। यह राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर 24 मार्च 2018 से ग्राम महमूदपुर में क्लास 12/2018 एक 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। सिमर के 5वें दिन शिवा के स्वयंसेवकों ने ग्राम मोहम्मदपुर में घूमकर रैली निकालकर सभी ग्रामीणों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। शिविर में उपस्थित प्रधानाचार्य श्री कैलाश पवार तथा कार्यक्रम अधिकारी रजनी शर्मा, रंजीत सिंह, पुष्पेंद्र कुमार तथा समस्त ग्रामवासी भी शामिल रहे। बुलंदशहर से संवाददाता गुड्डू राघव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। नजीबाबाद तहसील के थाना मंडावली क्षेत्र की भागुवाला चौकी से चेकिंग के दौरान अवैध रूप से खनन के दर्जन भर ट्रकों को एसडीएम डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा व मंडावली पुलिस ने पकड़कर सीज किया गया। इसी दौरान सभी खनन माफिया फरार हो गए। एसडीएम व मंडावली पुलिस की कार्यवाही से गाड़ी चालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल नजीबाबाद के मंडावली क्षेत्र के भागुवाला कोटावाली नदी के पास चेकिंग अभियान में 13 गाड़ियां अवैध खनन से भरे ट्रकों को पकड़ा गया, उनका चालान काटा गया। ट्रकों को ओवरलोड व अवैध खनन में की सीज, खनन माफिया फरार। नजीबाबाद एसडीएम व मंडावली पुलिस की कार्यवाही से गाड़ी चालकों में मचा हड़कंप। अधिकारियों की चोरी से रात के अंधेरे में नदियों से खनन माफिया निकालते थे अवैध खनन। क्षेत्र के अंदर खनन की जो गाड़ी सीज की गई है, किस लिए सीज की गई है? ये मंडावली क्षेत्र से सूचना सुबह से आ रही थी कि हरिद्वार से हमारे उत्तराखंड से यूपी की सीमा में कुछ ट्रक आज प्रवेश करने वाले हैं जिनमें अवैध खनन का माल लोड है और बड़ा खतरनाक तरीके से उनमें ओवरलोडिंग भी है। उस सूचना पर हमने और तहसीलदार साहब ने प्राइवेट गाड़ी से वहाँ का भ्रमण किया और वो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा में ही 11 ट्रक एक साथ पकड़े गए। उनके सीजर की कार्रवाई की जा रही है और इनको अवैध खनन और ओवरलोडिंग के साथ साथ सेल्टेक्स में भी इनका भेजा जा रहा है। जो भी सुसंगत कार्रवाई होगी उन पे की जा रही है। नजीबाबाद से संवाददाता सत्तार अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। बुलंदशहर पुलिस को सियाना हिंसा मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कातिल प्रशांत नट को पकड़ लिया है। जांच एजेंसी प्रशांत नट से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूछताछ करने में लगी है। सूत्रों का कहना है कि प्रशांत नट ने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है। पुलिस पूछताछ के बाद कभी भी खुलासा कर सकती है। 3 दिसंबर को गौची की घटना के बाद सियाना के गाँव चिंगरावटी में हिंसा भड़क गई थी। बुलंदशहर को शुक्रवार 3 दिसंबर को सियाना हिंसा मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कातिल प्रशांत नट को पकड़ लिया है। जांच एजेंसी प्रशांत नट से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूछताछ करने में लगी है। सूत्रों का कहना है कि प्रशांत नट ने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है। पुलिस पूछताछ के बाद काफी खुलासा कर सकती है। बता दें कि 3 दिसंबर को गौची की घटना के बाद सियाना के गांव चिंगरावटी में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में सियाना कोतवाली के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि सुमित भी मारा गया था। पुलिस को काफी समय से कातिल की तलाश थी। अहम गवाह और सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रशांत नट को पकड़ लिया। समाचार लिखे जाने तक प्रशांत से पुलिस पूछताछ कर रही थी।
सियान से संवाददाता मोहित त्यागी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। बिजनौर जिले के कोतवाली देहात के पास LIL परिवार की तरफ से एक विरोध यात्रा निकाली गई। इनकी मांग है कि पिछले महीने आगरा में रेप पीड़िता को जलाकर मारने वाले हत्यारों को फांसी मिले। पिछले महीने आगरा में एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ है और उसके लड़की को दिन दहाड़े हत्यारों ने लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर उस पे आग लगा दी। दरअसल आज शाम 4 बजे उमरी कला से बरू की एक LIL संस्था के लोगों द्वारा सैकड़ों की भीड़ में शहर में विरोध प्रदर्शन किया और बाद में कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दे चले कि पिछले महीने आगरा में एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ और उसके बाद लड़की को दिन दहाड़े हत्यारों ने लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। इसी घटना से आक्रोशित होकर आज कैंडल मार्च निकाला गया। इनकी मांग है मौजूदा योगी सरकार से और राष्ट्रपति से कि रेप पीड़िता के आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए और फांसी की सजा दी जाए ताकि समाज में सही संदेश जाए और आगे कोई भी ऐसा निर्दनीय कार्य करने से पहले 100 बार सोचे। मेरा नाम रीता भुयार है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नजीबाबाद से रहती हूँ। आज आप इकट्ठा हुए हैं और कैंडल मार्च निकाला है, रैली निकाली, क्यों निकाली आपने, किस उद्देश्य से? ये कैंडल मार्च हमने जो अभी आगरा में हमारी एक 14-15 साल की बेटी को जलाया गया है पेट्रोल डालकर दिन दहाड़े, तो उसमें हम लोगों ने ये श्रद्धांजलि उसे दी है और अपील की है मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से कि उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो उन्नाव में हमारी एक बेटी डॉली यादव उस पर भी उसको भी मतलब मारा गया है, उसके हत्यारों के लिए भी हम लोग अपील करते हैं कि उसके हत्यारों को भी जल्द से जल्द पकड़कर उसे भी फांसी दी जाए। धन्यवाद। ऐसे योगी सरकार ने सख्त कदम उठाने का वादा भी किया है तो फिर ऐसे लोग क्यों समाज को खोखला कर रहे हैं और हमारी बहनों के साथ ये क्या हो रहा है, इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट। नजीबाबाद शहर में SOG और पुलिस की टीम ने कबाड़ के गोदाम में अचानक छापा मारकर चोरी के रखे हुए लाखों के बिजली के तार बरामद किए हैं। इसकी कीमत बाजार में 30 लाख के आसपास बताई जा रही है। गुप्त सूत्रों के द्वारा पुलिस को अचानक मिली खबर के मुताबिक जब पुलिस कबाड़ी के यहाँ पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए और बिजली विभाग को तुरंत सूचना दी गई। नजीबाबाद में एक कबाड़ के गोदाम में इस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और SOG की टीम अचानक गोदाम के अंदर घुस गई। जब तक वहां मौजूद लोग समझ पाते तब तक पुलिस ने गोदाम खाली करवा दिया। गुप्त सूत्रों के द्वारा पुलिस को अचानक मिली खबर के मुताबिक जब पुलिस कबाड़ी के यहां पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए और बिजली विभाग को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान देखा कि बिजली के कई मंडल तार एकदम नए गोदाम में छुपा कर रखे गए। ये तार कहां से आए इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आखिर इतनी भारी मात्रा में बिजली के तार कहां देखिए, हमें इसके माध्यम से इस जानकारी मिली कि इस तरह करके कि यहाँ पे उनको बिजली का सामान तार वगैरह पूरे बरामद हुए हैं, ठीक है, तो उसी पे हम लोग आए हैं। वो सारा माल जो है ट्रक में लोड करा जा रहा है, उसके बाद उसकी तफ्तीश करी जाएगी कि कहाँ से मटेरियल मिला इसको, कबाड़ी वाले को कहाँ से आया, किसका था, क्या इसका कारण था, और ये सब उसके बाद ही पता। इसकी कीमत कितनी होगी सर? इसकी अगर जो विभाग जो इसमें मटेरियल है अगर उसको विभाग की कीमत के अनुरूप आकलन करा जाए तो ये 20 से 25 लाख के आसपास का ये मटेरियल होगा। और ये किसके द्वारा लाए गए, ये बिजली विभाग और पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल पूरे गोदाम को सील कर दिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी को अगर नया कनेक्शन लेना हो या आंधी तूफान में तार गिर जाए तो बिजली विभाग के पास तार नहीं होता है और यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में तार मिलना है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए आंकी जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नजीबाबाद से संवाददाता सत्तार अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। अब दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।